हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द स्मोकी एक्सप्लेन। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। हम हमारे चैनल पर मार्वल मूवी सीरीज के सब पार्ट को सीक्वल वाइज एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिनको अभी तक 4 फेज में रिलीज किया गया है। आज हम फेज 3 की 14 मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में बात करेंगे, जिसको 2016 में रिलीज किया गया था। ये फेज 3 की 2nd मूवी है, जो मार्वल की अब तक की सबसे बेस्ट मूवी होने वाली है, क्योंकि इसमें मार्वल का एक न्यू सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। मूवी को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन इसके आगे आने वाले एवेंजर्स पार्ट से कनेक्टेड हैं। गाइस, हमारे चैनल पर मार्वल के फेज 1 और फेज 2 की सारी मूवी को सिक्वल वाइज एक्सप्लेन कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। तो बिना किसी देरी के मूवी पर आते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में काठमांडू में कामा ताज के एक एंशिएंट लाइब्रेरी में दिखाया जाता है, जहां पर एक जादूगर कैसिलियस अपने स्टूडेंट के साथ आता है और वहां के लाइब्रेरियन को मार देता है, और साथ ही वहां से एक एंशिएंट बुक के कुछ पेजेस को फाड़ लेता है। तब यहां उसके सामने कामा ताज की गुरु आ जाती है और वो कैसिलियस को इस किताब के बुरे प्रभाव के बारे में बताती है। कैसिलियस वहां से भागता है। तब यहां कामा ताज की गुरु कैसिलियस और उसके स्टूडेंट को एक मैजिकल मिरर डायमेंशन में फंसा देती है, लेकिन कैसिलियस अपने कुछ स्टूडेंट के साथ वहां से भाग जाता है। यहीं से सीन शिफ्ट करके न्यूयॉर्क के प्रेजेंट टाइम में मूवी का मेन कैरेक्टर डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को दिखाते हैं, जो एक पेशे से सर्जिकल डॉक्टर रहता है और वो दूसरे डॉक्टर से ज़्यादा बेहतर रहता है, जहाँ पर वो एक क्रिटिकल सर्जरी भी करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अब अपने एक पार्टी में जाने के लिए रेडी होता है और वहां से अपनी कार से निकल जाता है, जहाँ वो अपनी कार की स्पीड को हाई कर देता है, जिससे वहाँ उसका एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके हाथों की हड्डियाँ चूर चूर हो जाती हैं और स्ट्रेंज का इलाज उसी के हॉस्पिटल में किया जाता है। स्ट्रेंज का ऑपरेशन 11 घंटे चलता है, जहाँ उसके हाथों में कुछ रोड्स डाल दी जाती है, लेकिन स्टीवन स्ट्रेंज अपने हाथों को महसूस नहीं कर पाता है और वो डॉक्टर के इस इलाज से खुश भी नहीं होता है। स्ट्रेंज के हाथों की एक्सरसाइज करवाने के लिए एक फिजियो आता है, जहाँ वो बताता है कि एक शख्स है जिसके पैरों की हड्डियाँ ख़त्म हो गई थी और वो उसके पास इलाज करवाने आता था, फिर एक दिन उसने आना बंद कर दिया और कुछ महीने बाद वो शख्स उसे एक जगह दिखा अपने पैरों पर चलता हुआ। स्ट्रेंज को इस बात पर बिलीव नहीं होता है और उस शख्स की वो फाइल देखता है। स्ट्रेंज अब उस शख्स से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उसको खेलता हुआ देखता है और उससे ठीक होने के बारे में पूछता है, जहाँ वो शख्स बताता है कि तुम वही हो जिसने मेरा इलाज करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन अब वो ठीक है। तब स्ट्रेंज बोलता है कि उसको भी इलाज की ज़रूरत है, तुम ठीक कैसे हुए? तब वो शख्स बताता है कि उसने खुद के इलाज के लिए साध्वी और गुरु के पास में वो गया था, जहां उसको खुद की बॉडी पर कंट्रोल करना सिखाया गया। उनके पास बहुत सी ताकत थी, लेकिन मैंने उनके बताए रहस्य से मेरे पैरों का इलाज कर लिया और वो वहाँ से वापस आ गया। वो शख्स स्ट्रेंज को कामा ताज में जाने के लिए बोलता है। अब स्ट्रेंज काठमांडू में कामा ताज को ढूंढने आ जाता है और कामा ताज को ढूंढता है, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। यहाँ स्ट्रेंज को लूटने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। तब यहाँ एक शख्स जिसका नाम मोडू रहता है, वो आकर स्ट्रेंज को उन लोगों से बचाता है और उसको कामा ताज के अंदर लेकर जाता है, जहाँ स्ट्रेंज कामा ताज के गुरु माँ से मिलता है, जिसको स्ट्रेंज के बारे में पहले से ही सब कुछ पता होता है। स्ट्रेंज गुरु माँ से उस शख्स के बारे में बात करता है जिसने अपने पैरों का इलाज यहाँ पर करवाया था। तब गुरु माँ बताती है कि हमने उसका कोई इलाज नहीं किया, उसने खुद की आध्यात्मिक शक्ति से अपना इलाज किया है और अपने पैरों को ठीक कर लिया। स्ट्रेंज गुरु माँ की इस बात को नहीं मानता है, क्योंकि उसे लगता है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। उनका शरीर इस पूरे ब्रह्मांड में एक छोटे से कण के बराबर है। तब यहाँ गुरु माँ अपनी शक्ति से स्ट्रेंज को एक पंच मारती है, जिससे स्ट्रेंज का शरीर से उसकी आत्मा अलग हो जाती है और स्ट्रेंज को पता चलता है कि शरीर के अंदर आत्मा होती है और उसी से वो ठीक हो सकता है। और एक बार फिर से गुरु माँ अपनी शक्तियों से स्ट्रेंज को मल्टीवर्स में भेज देती है, जहाँ वो एक वर्ष से दूसरे वर्ष में घूमता रहता है और उसे पता चलता है कि जितना अभी तक उसने जाना है वो बहुत कम है, उसके जीवन के बारे में उसे कुछ पता नहीं है। ये सब देखने के बाद स्ट्रेंज गुरु माँ को बोलता है कि उसको ये सब सीखना है, लेकिन गुरु माँ उसे सिखाने को मना कर देती है और उसे कामाताज से निकाल देते हैं। स्ट्रेंज कामाताज के बाहर ही बैठा रहता है, जहाँ मोडो गुरु माँ से बात करता है और बोलता है कि स्ट्रेंज 5 घंटों से बाहर बैठा हुआ है, उसमें कुछ तो बात है और शायद आपको लगता है कि स्ट्रेंज भी आपसे जादू सीख कर कैसिलियस जैसा बन जाएगा, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है।
क्योंकि कैसिलियस ने वो किताब के पन्नों को चुरा लिया है और अगर वो उनको समझ गया तो वो काली दुनिया से सत्या लेने लगेगा और हमें स्टेन जैसे एक जादूगर की जरूरत है। स्टेन को कामाताज में वापस ले लेते हैं और उसकी अब कामाताज में ट्रेनिंग शुरू होती है। गुरु माँ स्टेन को अपनी शक्तियाँ बताती है जहाँ वो यूनिवर्स के हर एक कण से वो शक्ति एब्जॉर्ब करती है जिसके कारण ही वो गुरु माँ बन पाई है। स्टेन भी इन शक्तियों को सीखने के लिए बोलता है। तब गुरु माँ बताती है कि तुम्हें इसके लिए बहुत ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम ये शक्तियाँ हासिल कर पाओगे। अब यहाँ स्टेन कामाताज की प्राचीन किताबों से वो शक्तियाँ सीखता है जिसमें वो एक लाइब्रेरियन से मिलता है जिसका नाम वोंग रहता है और वो उन किताबों की रक्षा करता है। वोंग बताता है कि इसके पहले के लाइब्रेरियन को कैसिलियस ने मार दिया था और एक प्राचीन किताब कुछ पन्ने चुरा लिए थे जिसमें समय का राज जानने की कलाएं थी। उसके बाद वो यहाँ पर इनकी रक्षा करता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर कैसिलियस और उसके शिक्षकों को दिखाया जाता है जो उन किताबों के पन्नों को कुछ मंत्र पढ़ता है और वो एक दूसरे डायमेंशन से काली शक्तियों को लेता है और वो भी मिरर डायमेंशन को कंट्रोल करना सीख जाता है। कामाताज में यहाँ मोडो स्टेंज और दूसरे शिक्षकों को ट्रेन करता है और उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्तियों पर कंट्रोल करना सिखाता है जिसमें स्टेंज का अपनी शक्तियों पर कंट्रोल नहीं रहता है। तब यहाँ मोडो स्टेंज को एक तिलस्मी नकेल या जादुई रिंग देता है जिसके जरिए वो कोई भी पोर्टल खोल सकता है जहाँ पर उसको जाना हो। स्टेंज उस रिंग से वो पोर्टल खोलने की कोशिश करता है लेकिन खोल नहीं पाता है। तब यहाँ पर गुरुमा आती है और वो स्टेंज को बताती है कि तुम्हें अपने घमंड को ख़त्म करना होगा, उसके बाद ही तुम इन शक्तियों पर काबू पा सकते हो। गुरु माँ एक पोर्टल को खोलती है और स्टेंज को एवरेस्ट पर लेकर आ जाती है और उसे यहाँ पर छोड़कर वापस आ जाती है। तब यहाँ स्टेंज बहुत कोशिश करने के बाद वो जादुई रिंग से वो पोर्टल खोल लेता है और वापस कामाताज में आ जाता है। अब स्टेंज वोंग के पास में शरीर से आत्मा को अलग करने की किताब लेने के लिए आता है जहाँ वो उसे किताब देने को मना कर देता है। तब स्टेंज यहाँ अपने पोर्टल से लाइब्रेरी की जादुई किताबों को चुरा लेता है और उन्हें पढ़कर अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाता है जिसके बारे में गुरु माँ को पता लग जाता है। गुरु माँ यहाँ स्टेंज से मिरर डायमेंशन के बारे में बात करती है जहाँ पर वो रियल दुनिया में ही रहते हैं लेकिन मिरर डायमेंशन में होने वाली कोई भी चीज़ रियल डायमेंशन में इफेक्ट नहीं करती है। मोडो यहाँ स्टेंज की ट्रेनिंग करवाता है और उसे कुछ फाइटिंग स्किल सिखाता है और साथ ही स्टेंज मोडो से कैसिलियस के बारे में भी पूछता है। मोडो बताता है कि कैसिलियस पहले गुरु माँ का शिष्य था, वो भी यहाँ पर तुम्हारे तरह लाचार आया था और उसने जादू की कलाएं सीख ली। साथ ही कैसिलियस को ब्लैक वर्ड के बारे में भी पता चला जहाँ कैसिलियस ने ब्लैक वर्ड से अपनी शक्तियाँ बढ़ा ली और उसे कामाताज से निकाल दिया गया क्योंकि ये कुदरत के नियम के खिलाफ है। स्टेंज वापस लाइब्रेरी में आ जाता है और समय के राज जानने वाली किताब को पढ़ता है जहाँ वो एक आगामोटो की आग से उस समय के राज जानने वाली किताब के कुछ मंत्र को सीख लेता है जिससे वो पास्ट और प्रेजेंट में आ पाता है। साथ ही इस किताब के फटे हुए पन्नों को भी वो वापस ले आता है जहाँ उसे अंधेरी दुनिया और एक शैतान डोरमामू के बारे में पता लगता है जिसके साथ ही यहाँ पर दूसरा डायमेंशन खुलने लगता है। तभी यहाँ पर वोंग और मोडो आकर स्टेंज को रोक लेते हैं और बोलते हैं कि ऐसा करना गलत है, इससे तुम दूसरे डायमेंशन में फंसे रह जाओगे और वापस नहीं आ पाओगे। स्टेंज पूछता है आखिर हम लोग है कौन। तब यहाँ पर वोंग बताता है कि एवेंजर जिसे सुपर हीरो इस दुनिया को दूसरे लोगों से बचाते हैं लेकिन हम जादूगर इस दुनिया को रहस्यमय हमलों से बचाते हैं जिसमें गुरु माँ सब जादूगर में सबसे प्रमुख हैं और वो आगामोटो की वंशज हैं जिनकी आँख तुमने गले में पहन रखी है। साथ ही वोंग उसे कुछ तीन जादुई सेक्टम सेंटोरम के बारे में बताता है जो पूरी अर्थ पर एक कवच बनाते हैं और अर्थ की रक्षा करते हैं जिसमें तीन दरवाजे हांगकॉन्ग, न्यूयॉर्क और लंदन में हैं। स्टेंज यहाँ डोरमामू के बारे में पूछता है जहाँ वोंग उसे बताता है कि डोरमामू अंधेरी दुनिया का शैतान है जो अर्थ को भी अपनी अंधेरी दुनिया में लाना चाहता है और कैसिलियस डोरमामू से मिलकर उसे अंधेरी की ताकत को लेना चाहता है जिससे वो और पावरफुल बन जाएगा। तभी यहाँ पर कैसिलियस आ जाता है और वहाँ अपनी शक्ति से एक ब्लास्ट कर देता है जिससे स्टेंज मोडो और वोंग से अलग हो जाता है और न्यूयॉर्क के सेक्टन सेंटोरियम में पहुँच जाता है। स्टेंज वहाँ देखता है कि न्यूयॉर्क के सेक्टन सेंटोरियम में कैसिलियस आ जाता है और वहाँ के रक्षक को मार देता है। तब कैसिलियस वहाँ स्टेंज को देखता है और अब कैसिलियस के साथ ही स्टेंज से लड़ते हैं और यहाँ पर उनकी एक लंबी फाइट चलती है जिसमें कैसिलियस स्टेंज को अपनी जादुई शक्तियों में उलझा देता है। तब स्टेंज चालाकी से कैसिलियस के दो साथियों को डोर के जरिए किसी दूसरी जगह पर भेज देता है और अब स्टेंज कैसिलियस से लड़ता है जहाँ कैसिलियस स्टेंज के ऊपर भारी पड़ता है और वो स्टेंज को वहाँ से गिरा देता है।
तब यहाँ स्ट्रेंज को एक उड़ने वाला जादुई एप्रेन बचा लेता है और स्ट्रेंज अब जादूगर जैसे हवा में उड़ता है और कैसिलियस से लड़ता है। इस जादुई एप्रेन के पास खुद का दिमाग होता है जहाँ वो लड़ने में स्ट्रेंज की मदद करता है और वहाँ पर वो एक कवच को कैसिलियस के ऊपर छोड़ देता है जो कैसिलियस को पकड़ लेता है। तब यहाँ कैसिलियस डॉक्टर स्ट्रेंज से बात करता है और उसे डोरमामो के बारे में बताता है जहाँ पर डोरमामो सबको अनंत जीवन देते हैं और साथ ही तुम्हारी गुरु माँ भी वहीं से अपनी पावर लेती है, उसके वजह से वो इतने सालों से जिंदा है। इसी बीच स्ट्रेंज अपनी जादुई रिंग को खो देता है और वहाँ पर कैसिलियस का साथी आकर स्ट्रेंज पर हमला कर देता है और स्ट्रेंज जख्मी हो जाता है। स्ट्रेंज को उसका जादुई एप्रेन बचाता है और वो जादुई रिंग स्ट्रेंज के पास में आ जाती है। तब स्ट्रेंज जख्मी हालत में क्रिस्टिन के पास जाने के लिए एक पोर्टल को खोलता है और वो क्रिस्टिन के पास अपना इलाज करवाने के लिए आ जाता है जहाँ स्ट्रेंज अपने शरीर से अपनी आत्मा को अलग कर देता है और क्रिस्टिन के सामने आता है जिससे क्रिस्टिन डर जाती है और फिर क्रिस्टिन उसका इलाज करती है। इसी बीच कैसिलियस का साथी भी अपने शरीर से आत्मा को अलग कर लेता है और स्ट्रेंज को मारने के लिए हॉस्पिटल में आता है जहाँ स्ट्रेंज उससे लड़ता है और स्ट्रेंज की हार्ट बीट रुक जाती है जहाँ क्रिस्टिन अब उसे शॉक देती है जिससे हार्ट बीट वापस चलने लगती है। स्ट्रेंज क्रिस्टिन को वोल्टेज बढ़ाकर वापस शॉक देने के लिए बोलता है जहाँ स्ट्रेंज उस शॉक की एनर्जी को उस दूसरे जादूगर को मार देता है और यहाँ स्ट्रेंज बच जाता है। स्ट्रेंज क्रिस्टिन को अपनी शक्तियों के बारे में बताता है और वहाँ से वापस सेक्टम सेंटोरम में आ जाता है जहाँ से कैसिलियस भाग जाता है और यहाँ पर गुरुमा और मोर्डो आ जाते हैं जहाँ गुरुमा स्ट्रेंज को बोलती है कि लंदन का सेक्टम सेंटोरम खत्म हो चुका है, अब उन्हें न्यूयॉर्क और हांगकांग के पवित्र जगह को बचाना है और स्ट्रेंज ने न्यूयॉर्क के पवित्र जगह को बचाया है तो वो अब यहाँ का मास्टर होगा और यहाँ की रक्षा करेगा। लेकिन स्ट्रेंज ऐसा करने को मना कर देता है और बोलता है कि वो किसी जंग के लिए यहाँ पर नहीं आया था, वो अपने इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आया था। स्ट्रेंज यहाँ पर कैसिलियस की बातें गुरुमा और मोर्डो को बताता है जहाँ वो बोलता है कि गुरुमा अपने आप को जिंदा रखने के लिए ब्लैक वर्ड से शक्तियाँ लेती है, लेकिन गुरुमा इसके बारे में कुछ नहीं बोलती है और मोर्डो बोलता है कि गुरुमा ऐसा नहीं कर सकती है। तभी यहाँ पर वापस कैसिलियस और उसके साथी आ जाते हैं और न्यूयॉर्क के सेक्टम सेंटोरम को तबाह करने लगते हैं। तब स्ट्रेंज उनको मिरर डायमेंशन के अंदर लेकर आ जाता है। स्ट्रेंज को लगता है कि मिरर डायमेंशन में कैसिलियस कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन मिरर डायमेंशन में उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है जहाँ वो डॉक्टर स्ट्रेंज और मोर्डो को मिरर डायमेंशन में फंसा देता है और यहाँ पर मूवी का सबसे बेहतरीन सीन के साथ एक बेहतरीन फाइट भी दिखाई जाती है। कैसिलियस मिरर डायमेंशन में स्ट्रेंज और मोर्डो पर भारी पड़ता है। तब उनको बचाने के लिए वहाँ पर गुरुमा आ जाती है और कैसिलियस से लड़ती है जिसमें कैसिलियस धोखे से गुरुमा के ऊपर हमला कर देता है और उसे मिरर डायमेंशन से रियल डायमेंशन में भेज देता है जहाँ वो एक हाइट से ज़मीन पर गिर जाती है। गुरुमा को बचाने के लिए स्ट्रेंज उसे क्रिस्टिन के पास में लेकर आता है जहाँ क्रिस्टिन और डॉक्टर स्ट्रेंज उसका इलाज करते हैं, लेकिन गुरुमा खुद अपने शरीर से अपनी आत्मा को छोड़ देती है। तब स्ट्रेंज को पता लग जाता है और वो भी अपने शरीर से अपनी आत्मा को छोड़ देता है और गुरुमा से बात करता है जहाँ वो बताती है कि ब्लैक वर्ड से पावर लेना उसे कभी पसंद नहीं था, लेकिन उसके बाद कामताज की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन अब तुम यहाँ पर आ गए हो, तुम मुझसे भी बड़े गुरु बन सकते हो, तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। ये बोलकर गुरु माँ की सोल वहाँ से गायब हो जाती है और वो मर जाती है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज कैसिलियस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब कैसिलियस हांगकांग के पवित्र स्थल को ख़त्म करने के लिए जाता है जहाँ पर वोंग रहता है। स्ट्रेंज यहाँ पर मोर्डो के पास में आता है जहाँ मोर्डो गुरुमा के डार्क वर्ड से शक्ति लेने के कारण नाराज होता है और बोलता है कि ये सब उनकी वजह से ही हो रहा है और कैसिलियस को डार्क वर्ड के बारे में भी उनकी वजह से ही पता लगा है। स्ट्रेंज और मोर्डो हांगकांग में जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि कैसिलियस ने हांगकांग के पवित्र स्थल को ख़त्म कर दिया है और वहाँ पर डोरमामू आ जाता है। अब स्ट्रेंज अपनी आगामोटो की आग से समय में वापस फेरबदल करता है जिसमें वो उसे तबाही को फिर से सही करता है और धीरे धीरे करके वो वापस हांगकांग के पवित्र स्थल को बनाने लगता है। इसी बीच कैसिलियस और स्ट्रेंज की फाइट भी होती है और स्ट्रेंज अपनी पावर से वोंग को भी बचा लेता है, लेकिन हांगकांग का पवित्र स्थल पूरा बनने से पहले कैसिलियस स्ट्रेंज के जादू को तोड़ देता है और वहाँ पर सब कुछ रुक जाता है। कैसिलियस स्ट्रेंज को बोलता है कि अनहोने को कोई भी नहीं टाल सकता है, डोरमामो कोई रोक नहीं सकता है। तब स्ट्रेंज उठकर डोरमामो के पास में चला जाता है जहां आप सबसे पावरफुल डोरमामो को दिखाते हैं। स्ट्रेंज यहां अपनी आगामोटो के जादू को करता है और डोरमामो से बोलता है कि वो उसे यहां पर एक सौदा करने के लिए आया है, लेकिन डोरमामो स्ट्रेंज को मार देता है।
लेकिन फिर से स्टैन अपनी आगामोटो की पावर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से बोलता है कि वो डोरमामो से एक सौदा करने के लिए आया है डोरमामो फिर से स्टैन को मार देता है। स्टैन ऐसा कई बार करता है जिससे डोरमामो एक तरह के लूप में फंस जाता है और वही बात रिपीट होती है। डोरमामो परेशान हो जाता है और स्टैन के सौदे को सुनता है, जिसमें स्टैन बोलता है कि वो उसके शागिर्दों को अर्थ से ले जाएगा और कभी भी अर्थ पर हमला नहीं करेगा और ना ही अर्थ पर आएगा। डोरमामो स्टैन की बात को मान जाता है और अपने शागिर्दों के साथ वो भी अर्थ को छोड़कर चला जाता है। स्टैन अब अपने जादू से हांगकांग के पवित्र स्थल को ठीक कर देता है और यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन मोडो बोलता है कि हमने कुदरत के नियमों के साथ खिलवाड़ किया है, इसका जुर्माना हमें भुगतना होगा, अब वो इस रास्ते पर नहीं चलेगा। मोडो कामताज को छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर स्टैन आगामोटो की आँख को वापस रख देता है, जहाँ वोंग स्टैन को बताता है कि आगामोटो की आँख के अंदर एक इन्फिनिटी स्टोन है जो कि एक टाइम स्टोन है, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं और मूवी का यहाँ पर एंड होता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में थोर को दिखाया जाता है जो स्टैन के पास अपने पिता ओडिन को ढूंढने के लिए आता है और स्टैन बोलता है कि वो उसकी मदद करेगा। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। हमारे चैनल पर आगे भी ऐसे न्यू मूवी का एक्सप्लेनेशन लाया जाएगा।